तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। दोस्तों जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सर्टे इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, बोला मैंने एक अंडरवैल्यूड शेयर है। ऐसे 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्यों गिर रहा है फाइन ऑर्गेनिक। उस समय का भाव था लगभग 4500 के और अभी यहाँ पे 5200 के आसपास भाव चल रहा है। मतलब जो बॉटम में बिल्कुल भी ऑपरेटर काम करता है, माल भर रहा था, सबको डरा रहा था, इकलौता बंदा मैं था यूट्यूब में जो सबको समझा रहा था ये शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंटली होल्ड करिए, चुपचाप बैठे रहिए, ऑपरेटर का माल भरना पूरा होने दीजिए। फिर दोस्तों अच्छे फंडामेंटल कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं ऊपर का लेवल में बाय करके होल्ड कर रहा हूँ। मैं अच्छा खासा मतलब ऊपर के लेवल से लगभग 15% में लॉस में बैठा हूँ, खुशी हूँ, क्योंकि जब ऑपरेटर का माल भरना पूरा होगा तब ऊपर जाएगा। आज इनको ना गैप डाउन ओपन किया गया, बट मैं ये पिछले 2-3 घंटे से जो चीज़ देख रहा हूँ मुझे पर्सनली लग रहा है पीआई इंडस्ट्रीज का भी वही सेम तरीका चल रहा है। और अगर एक अच्छे फंडामेंटल कंपनी ऊपर से 15-20% करेक्टेड है तो इसका क्या मतलब आता है? ऐसे आपको तो ढूंढ के बहुत कम कंपनी मिलेगा। एफआईआई भरे है, डीआईआई भरे है, म्यूचुअल फंड भरे है, प्रमोटर माल नहीं छोड़ रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे प्रदर्शन करते जा रहा है ये कंपनी, फिर भी इनका शेयर प्राइस नीचे जा रहा है क्योंकि इनका सेक्टर टेलविंड नहीं है। जिस तरीके से पीएसयू में पैसा घुस रहा है उस तरीके से एग्रोकेमिकल में पैसा नहीं घुस रहा है, बात यही है। बट क्या ये राइट टाइम नहीं है अच्छे कंपनी को सस्ते भाव में खरीद के चुपचाप बैठे रहने का? मैं तो गलती कर दिया दोस्तों ऊपर का लेवल में, मैं तो लॉस में नहीं बेचने वाला, मैं तो होल्ड करने वाला हूँ क्योंकि मेरा दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग है। बात ये है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट दोस्तों ये बिल्कुल भी आपको चार्ट में अच्छा नहीं लगेगा, ये कोई भी बुलिश साइन नहीं है। अगर आप ये सारे शॉर्ट टर्म पेन मेरे जैसे सह सकते हैं तो जरूर आप चार्ट को देखिए। मैं आपको वो सारे पॉइंट अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, क्यों मैं पेशेंसी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मेरा ट्विटर हैंडल जहाँ पे मैं जो शेयर वहाँ पे मैं यूट्यूब में शेयर करता हूँ उसका ही थोड़ा बहुत यहाँ पे बोलने का कोशिश करता हूँ क्या स्टार्टअप है। और देखिए ऐसे सच्चाई से आपको कोई नहीं बताने वाला, ये सारे शेयर मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, लगभग बहुत सारे शेयर में लॉस में बैठा हूँ। तो क्या हुआ भाई, शॉर्ट टर्म के लिए है ये लॉस, ये सारे ठीक हो जाएगा मुझे पर्सनली ऐसे लगता है। बात ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे नंबर 4 देखिए पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में अभी बोल रहा था, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जब भी हम अभी यहाँ पे आते हैं, ये मेरा YouTube का वीडियो है जो मैंने आप लोगों के सामने पहले शेयर किया था। तो देखिए यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स जो मैंने शेयर किया था वो 4712 था, ठीक है। अभी तो आप देखते हैं अभी कौन सा जगह पे चल रहा है, अभी 5128 है, मैंने वहाँ पे बोला था 6200 जा सकता है, तो चुपचाप बैठे रहिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मात्रा में फाइन ऑर्गेनिक्स होल्ड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो लिस्ट में नहीं लिखा। बात यहाँ पे है फाइन ऑर्गेनिक्स पहले भी अच्छी कंपनी था, अभी भी अच्छी कंपनी है, एफआईआई का होल्डिंग अच्छा है, डीआईआई का होल्डिंग अच्छा है। ऐसे फाइन ऑर्गेनिक्स को लेकर मैंने कई फंडामेंटल वीडियो बनाया है, ज़रूर आप उसको चेक करिए। एवरीथिंग ठीक होने के वजह से भी ऑपरेटर साहब इनको नीचे डाल दिया था, अब धीरे धीरे इनको माल भर रहा है क्योंकि इनको भी सस्ते भाव में मिल गया है। फाइन ऑर्गेनिक्स को अभी भी आप खरीद सकते हैं। बट एक चीज़ अगर आप देखते हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं पीआई इंडस्ट्रीज में, तो पीआई इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे ना तो शेयर प्राइस कंसिस्टेंसी के साथ नीचे ही जा रहा है। अब देखिए जो हाई से नीचे की तरफ जा रहा है तो अच्छी बात है, सस्ता हो रहा है। पी मल्टीपल्स को अगर हम देखेंगे तो अभी पी का मल्टीपल्स कितना चल रहा है दोस्तों, सब बहुत ही कम चल रहा है, मीडियन पी से भी बहुत कम, 41 में चल रहा है। तो अभी ये जो 47 में महंगा बिल्कुल भी नहीं खरीद रहा हूँ। पीआई इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालाइज मैं क्या करूँ, पूरा यूट्यूब में भर के पड़े हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म पीरियड में। अगर आप इनका अगर आप मैक्स में जाते हैं तो आप क्या देख सकते हैं, अगर आप प्राइस में जाना पड़ेगा आपको, तो आप देखते हैं सिर्फ लीनियरली चल के आया है। तो ये शेयर अगर आप देखेंगे बैक टेस्ट करके हर बार 12-15% नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट में मैंने देखा एक चीज नोटिस किया, बहुत ही शानदार ओपीएम आ रहा है एंड सेल्स ग्रोथ शानदार आ रहा है, एंड उस हिसाब से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए आया था। तो ये शेयर को रीरेटिंग होना था, मतलब और ऊपर जाना था, बट ऑपरेटर सर को लेने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि ये एग्रोकेमिकल के ऊपर उन लोगों का नजर ही नहीं है। सबका नजर क्या है, पीएसयू के नजर है। तो ठीक है, बात अच्छा है, पीएसयू पैसा बना रहा है, बट मुझे पर्सनली क्या लगता है, जिस तरफ सारे लोग जा रहा है ना उसमें मुझे जाने में मन नहीं करता है क्योंकि उसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है, खतरा भी ज़्यादा होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो इसीलिए मैं चुपचाप बैठे रहता हूँ जो कंपनी लॉस दे रहा है उसमें और भी लॉस लेकर, क्योंकि मुझे ये 5-7 साल से ये आइडिया लग चुका है, ये शॉर्ट टर्म लॉस का फायदा फंडा है। अगर आप शॉर्ट टर्म लॉस लेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे कंपनी अच्छा रिटर्न बना के देगा, एंड बिलीव मी ये हुआ है और मुझे पर्सनली बिलीव है पीआई इंडस्ट्रीज ऊपर जाएगा। क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है फाइन ऑर्गेनिक्स जो बहुत लोगों को अच्छा लग रहा था, मतलब अभी लगना शुरू हुआ है, बट दोस्तों मैंने तो पहले बोला था
क्योंकि ये छोटे छोटे कैंडल को लोग फॉलो नहीं करता है, लोगों को लगता है लोग सिर्फ टेक्निकल एनालाइज देखते हैं। मैं तो सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल है उसके बाद वैल्यू को देखता हूँ, ये ठीक है कि नहीं। ये जो सारे जगह पे खिचड़ी पका रहा था ना ऑपरेटर, वो मुझे बहुत अच्छे से पता था। जब ये हो गया तब मैं क्लियरली बोल दिया था ये शेयर ऊपर जाएगा, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, इसका ड्रॉडाउन बहुत कम है। फाइनल गणित तो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे बहुत लोगों का अच्छा टारगेट है, सबसे पहले दोस्तों 6100 ये एक टारगेट होगा, ये आप ध्यान में रखिए। बात ये है और एक लूजर को पकड़ते हैं, तो ये लूजर का नाम क्या है, पीआई इंडस्ट्रीज। चार्ट बहुत गंदा लग रहा है दोस्तों, तो दोस्तों चार्ट ये गंदा चार्ट, बट मुझे क्या क्या करना है बताएं, ये होल्ड करना है। मैं दोस्तों पर्सनली स्पीकिंग ये जो टॉप है ना इस टॉप में परचेस किया, जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ था उस दिन मैंने परचेस किया था, एंड वो भी प्री मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मुझे रिजल्ट अच्छा लग रहा था। और मेरे लगने से क्या होता है, ऑपरेटर सबको तो नहीं लग रहा है ना, तो इसीलिए तो शेयर काफी करेक्ट है, लगभग 12% करेक्ट है, ये आप ध्यान में रखिए। बाकी आप बैक टेस्ट जरूर करें, मैंने टेस्ट किया, 12% के बाद ये शेयर में पुल बैक आता है। बट अभी ये 12 बजे तक जो शेयर का चार्ट पैटर्न बना रहा है, ये चार्ट पैटर्न अगर भगवान करे हो जाए, ये भी जिस तरीके से कैंडल इधर हुआ इधर हुआ इधर हो जाए, तो आपको ये जो हाई लगाया था जो मेरा कॉस्टिंग प्राइस है वहां तक आने का चांसेस लगता है। और उसके बाद अगर कोई ट्विटर वाले कोई सोशल मीडिया वाले बोल दे ये तो ब्रेकआउट होगा, तब तो बल्ले ही बल्ले है ना। बात ये है अभी मुझे लगता है ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इनका सॉरी अगर मैं इनका शॉर्ट टाइम जैसे 5 मिनट्स में जाता हूँ, तो अगर हम देखेंगे ना तो क्या हो क्या रहा है। इधर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आते ही गैप डाउन कर दिया, फिर एक जगह से माल भरा, शायद ये माल नहीं भरा होगा, और भी हो सकता है नीचे आया और भी नीचे चले जाए, बट हाईली चांसेस लग रहा है यहाँ से माल भरने के बाद ऑपरेटर ऊपर लेके जा सकता है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय थिंकिंग। आप अपने आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो जरूर कमेंट करके बताइए, देखते हैं दोनों का ये मिलता है कि नहीं। धन्यवाद।